नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा फाइनल सबमिट हो गया है, यानी कि फाइनल वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे को पैसा नहीं मिला है। आखिर क्यों है, क्या करें कि हमको पैसा मिल जाएगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, इसी के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है तब आपको पैसा मिलेगा, आखिर पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें सुखड़ राहत योजना और झारखंड से रिलेटेड कोई भी स्कीम आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं उसको दिखा देता हूँ, यानी कि आपका भी इस टाइप से दिख रहा है या तो क्या दिख रहा है। जैसे दोस्तों एक किसान मेरे को कल इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड भेजा, उसका मैं दोस्तों देख सकता हूँ यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो फाइनल वेरीफाई हो चुका है, मतलब दोस्तों इसका एक रुपया भी इसका बैंक खाता में नहीं है। और दोस्तों इसका ध्यान से देखिएगा तो इसका सिलेक्ट किया गया था, यहाँ पर देख भी सकते हो कि खा नंबर, यानी कि सुखाड़ से प्रभावित कृषक, जो यहाँ पे 33% क्षति से अधिक हुई है ये वाला सिस्टम। अगर दोस्तों आपका भी इस टाइप से खा नंबर सेलेक्ट किया हुआ है और दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हो फाइनल सबमिट हो चुका है, सब कुछ वेरीफाइड है, लेकिन भी दोस्तों अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है। यहाँ पे दोस्तों जितना भी लोगों का पैसा मिला है वो यहाँ पे 90% लोग कहने का ये है कि जिसका दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से फसल ही नहीं, यानी कि भूमिहीन किसान, जो भी भूमिहीन किसान थे शायद दोस्तों उनका ही पैसा है। यहाँ पे 95% लोगों का पैसा आया है यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे पैसा मिला है, जिसका भी पैसा मिला है उसका दोस्तों भूमिहीन सिलेक्ट किया गया था, उसको सबसे पहले पैसा दे दिया गया। सरकार सोचा होगा कि उसका खेती बाड़ी कुछ है ही नहीं तो पैसा दे देते हैं उन्हीं लोगों को, लेकिन जिसका 33% से ज़्यादा क्षति हुआ है तो थोड़ा बहुत कमाया होगा, बल्कि उसको पैसा नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, किसान है तो भाई किसान रहना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इनको कब तक पैसा मिलेगा, आखिर क्या करना पड़ेगा तब आपको पैसा मिलेगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी करना नहीं है, मेन चीज़ है यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी मैं बोल सकता हूँ, यानी कि जो भी पैसा देना था भाई फटाफट से पैसा दे दिया। जिसको भी पैसा मिला, मुझे लगता है कि 6 लाख बोला गया है, लेकिन 6 लाख लोगों को भी पैसा नहीं दिया गया है जहाँ तक, क्योंकि 6 लाख लोग अगर पैसा मिलता 6 लाख लोगों को पूरे झारखंड में तो दोस्तों यहाँ पे तहलका मच जाता, क्योंकि 6 लाख कम नहीं होता है। हो सका तो 1-2 लाख लोगों को केवल पैसा मिला होगा, बाकी को नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जिसका फाइनल वेरीफाई हो चुका है, जैसे यहाँ पर देख भी सकते हो इसका फाइनल वेरीफाई हो गया है 2-3 दिन पहले ही, यानी कि पैसा मिलने से पहले, लेकिन अभी तक इसको पैसा नहीं मिला है। ये दोस्तों गुमला जिला का एक लड़का मेरे को मैसेज किया था और बोला कि भाई चेक करके बताओ यार कि मेरे को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला है। अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों को बहुत जिले में पैसा अभी तक नहीं मिला है। अगर आपका भी इस टाइप से वेरीफाई हो चुका है तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। अब सरकार कह रही कि पैसा दे दिए, यानी कि सरकार कह रही है कि आप सुखाड़ वाला पैसा दे दिए, आप बात खत्म हो गया। यहाँ पे प्री मैट्रिक का भी पैसा दे दिया गया है, सावित्री बाई फुले का भी पैसा दे दिया गया है, इसी टाइप से इसका भी पैसा दे दिए हैं। बोलेगा अब कभी भी आप नहीं देखोगे कि इसका कोई अपडेट आएगा कि हम इतना पैसा बाकी है, इतना हम देंगे बोल के, अभी कोई भी अपडेट नहीं आएगा मुझे तो लगता है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करना, और आपका दोस्तों अभी तक यहाँ पे फाइनल वेरीफाई हो चुका है या तो नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर दोस्तों आप भी इस किसान की तरह ही आप देख रहे हो कि फाइनल वेरीफाई हो चुका है लेकिन भी अभी तक इसको पैसा नहीं मिला है, ऐसे भी हो, अगर आपका भी है तो आप उम्मीद छोड़ दो, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपका पैसा नहीं मिलेगा। और जिसका बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंडर प्रोसेस है, उसका वेरीफाई होगा या तो नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। वेरीफाई होगा तो अच्छी बात है, हो सके तो अभी नया साल में कुछ, यानी कि छुट्टी वुट्टी होगा, यानी कि ब्लॉक सब बंद होगा, यहाँ पे जो भी कार्यालय होता है बंद होता है, तो कम से कम आप यहाँ पे 5 तारीख तक देख लो। अगर 5 तारीख तक पैसा नहीं आता है तो भाई समझ जाना आपका यहाँ पे ऑनलाइन करने का कोई भी मतलब नहीं है, अब आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों सुखाड़ राहत योजना का शायद मुझे लगता है कोई भी अपडेट नहीं आएगा, कहीं पर भी चर्चा नहीं आएगा। अब दोस्तों सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, इसको अगर देना रहेगा तो देगा, नहीं देना रहेगा तो नहीं देगा, क्योंकि ये मुझे लगा बहुत झूठा सरकार है, क्योंकि पहले कहा गया 30 लाख, फिर 10 लाख, अब देने टाइम आया तो सिर्फ 6 लाख, अब मिला 2 लाख।
अब दोस्तों ऐसे कोई भी नहीं कह सकता है कि कितना पैसा दिया कितना नहीं, लेकिन 6-6 लाख लोगों को पैसा देता तो मुझे लगता है कि सारे लोग बहुत सारे खुश भी रहते, बहुत सारे लोग भी मैसेज करते कि भाई हमको पैसा मिल गया बोल के। लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यह चीज़ जानकारी देना था कि अभी तक आपका वेरीफाई हो चुका है तो पैसा नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन भी वेट करें 5-6 तारीख तक, हो सके तो धीरे धीरे मिल जाएगा। जैसे पीएम किसान लोगों का दे देता है, पीएम किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार मिलता है, तो कम से कम 15 दिन तक पैसा धीरे धीरे हर किसी को मिलती जाता है। उसी टाइप से अगर दोस्तों इसको भी देना रहेगा तो देगा और नहीं देना रहेगा तो नहीं देगा जहाँ तक मुझे लगता है। इस वीडियो में दोस्तों यही चीज़ जानकारी देना था, जानकारी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक सभी किसान भाइयों तक शेयर करो, सभी लोगों को पता चलना चाहिए ये जानकारी। दोस्तों कोई अपडेट आएगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।